भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला वर्ल्ड कप का मुकाबला काफी ज्यादा अहमियत रखता है। साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों में मिली 10 विकेट से हार के बाद हर एक भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में बदले की भावना जन्म ले चुकी थी, लेकिन साल 2023 कैसे वर्ल्ड कप में भारत का विजयी रथ जिस तरह से चरम पर है उसको देखते हुए अब इंग्लैंड से बदला लेने का समय आ गया है। लेकिन बावजूद उसके इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन भारत को धमकी देते हुए मुकाबले में हारने की ऐसी बात कही है जिसके बाद हर कोई तिलमिला उठा, लेकिन शुभमन गिल ने इस बीच मुंहतोड़ जवाब भी उन्हें दिया। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया वर्ल्ड कप को जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का यह मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों ही टीम काफी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इंग्लैंड ने शुरुआत के 3 मुकाबले जिस तरह से हार चुकी है, 4 में थे उसके बाद उनका सफर लगभग वर्ल्ड कप में से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय टीम शुरुआती 5 मुकाबले में अव्वल तरीके से जीत हासिल करी है, लेकिन बावजूद उसके काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए सैम करन ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में हारना ही होगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम हमेशा से ही भारत के ऊपर अपना दबाव बनाती आई है और हमारे पास वह खिलाड़ी है जो भारतीय पिच पर भी काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन करने की काबिलियत रखते हैं। भारत का साल 2022 में जिस तरह से हराया था और फिर एक बार भारत के घमंड को हमारी टीम तोड़ेगी मुकाबले में और उनके विजय रथ को रोकेगी। लेकिन आपको बता दे कि इस बीच शुभमन गिल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा चीजें बदलती रहती हैं। उसे समय इंग्लैंड का समय चल रहा था, लेकिन अब भारतीय टीम जिस तरह से वर्ल्ड कप में मजबूती के साथ आई है इंग्लैंड से पुराना हिसाब किताब भी झुकता करेगी और सैम करन को मुंहतोड़ जवाब भी देगी क्योंकि बड़ी तो बड़ी टीमों को हमने वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में हराया है, जबकि इंग्लैंड की टीम तो अफगानिस्तान से भी हार गई। इसलिए इंग्लैंड की टीम ज्यादा घमंड में ना रहे क्योंकि भारतीय टीम हर किसी के घमंड को तोड़ने के लिए जानी जाती है। शुभमन ने कहा इस मुकाबले में ऐसी जीत हासिल करेंगे कि इंग्लैंड के ऊपर यह रिकॉर्ड बनेगा, इसमें हर एक खिलाड़ी देखेगा, फिर चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े बदले की आज हमारे दिल में भी है और बदला लेने के लिए भारतीय टीम ही मैदान पर उतरेगी। इस तरह से गिल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कौन सी टीम मुकाबले जीतेगी कमेंट सेक्शन में बताएं।